Uh, very good morning to all my dear students. Uh, my name is Neha Soni. I am from CSE department. So today's our topic is about queue. So already we have learned about the linked list stack. Now next is our queue. So basically, what is queue? Queue is nothing but it is a linear list of elements in which deletion can take place at one end called the front, and insertion can take place at the other end called the rear. इट वर्कस ऑन दी फीफो सिस्टम दैट इज फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट जो डेटा या जो एलिमेंट सबसे पहले एंट्री होगा वही एलिमेंट आपका सबसे पहले बाहर जाएगा आ, हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है क्यू का यहाँ देख सकते हैं एक मैंने क्यू लिया है जो एन तक आपका डेटा फीड कर सकता है बट हमने इसमें अभी चार डेटा डाला हुआ है तो इसमें आपने देखो कि आपकी फ्रंट की वैल्यू क्या है वन और आपकी रियर की वैल्यू क्या है फोर ये जो आपका स्टार्टिंग एंड है ये आपका फ्रंट एंड है और ये जो लास्ट वाला एंड है ये आपका रियर एंड है नाउ, अगर मुझे कोई डेटा डिलीट करना है तो मैंने पहले कहा था कि डिलीशन टेक प्लेस एट दी वन एंड कॉल दी फ्रंट एंड इंसर्शन कैन टेक प्लेस एट दी अनदर एंड कॉल रियर तो मुझे अगर एक डेटा डिलीट करना है तो कौन से एंड से होगा वो आपका फ्रंट एंड से होगा तो सपोज मुझे ट्रिपल एक डिलीट करना है तो आपको यहां से डिलीट हो गया फ्रंट की वैल्यू क्या हो गई आपकी टू हो गई और रियर की वैल्यू एज इट इज है नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने देखा कि हमने दो डेटा एड किया है ट्रिपल ई और ट्रिपल एफ तो आपका जो डेटा एडिशन हुआ वो कौन से एंड से होगा रियर एंड से तो आपका रियर के वैल्यू फोर की जगह अब क्या हो गया है सिक्स और फ्रंट की वैल्यू क्या हो गई है अभी सेम टू नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो ये एक ऐसा जनरल टर्म्स है जो हम डे टू डे लाइफ में अपने यूज करते हैं वॉट इज ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो ओवरफ्लो नथिंग है नथिंग बट इट कैन बी से दैट कि अगर हमको कोई न्यू डेटा इंसर्ट करना है तो हम सबसे पहले अपना स्टोरेज लिस्ट चेक करेंगे कि वहां पर डेटा आपका अवेलेबल है या नहीं है अगर अवेलेबल नहीं है वहां पे स्पेस तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं ओवरफ्लो अंडरफ्लो अगर टर्म में बोलूं तो अंडरफ्लो टर्म उसको रेफर करता है कि अगर हमको सपोज कोई डेटा डिलीट करनी है तो हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर में कोई डेटा है या नहीं है अगर डेटा स्ट्रक्चर में कोई डेटा है तो वो डिलीट हो जाएगा और अगर नहीं है तो उस कंडीशन पे हम उस डेटा स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे अंडरफ्लो ठीक है तो नाउ टाइप्स ऑफ क्यू कितने टाइप्स ऑफ क्यू होते हैं सबसे पहले हमने जो पढ़ा था बेसिक डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था वो होता है सिंपल क्यू जो ऑलरेडी हमने पहले पढ़ लिया कि वो एक एंड से आपका डेटा इंसर्ट होगा एक एंड से आपका डेटा डिलीट होगा नेक्स्ट है आपका सर्कुलर क्यू सर्कुलर क्यू क्या होता है कि इसमें सारे नोट सर्कुलर रहते हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं जो लास्ट नोट है आपका वो फर्स्ट नोट से आपका कनेक्ट हो जाएगा ये देखिए यहां पे एग्जाम्पल है कि अगर एक क्यू है मेरे पास तो ये आपका फ्रंट एंड है ये आपका क्या है रियर एंड है तो अब क्या करना है सर्कुलर करना है तो यहाँ पे जो रियर एंड है उसको मैंने क्या किया फ्रंट के साथ अटैच कर दिया तो इसको हम क्या बोलेंगे सर्कुलर क्यू इसमें भी आपका सेम वही प्रोसेस होता है इट अलाउज इंसर्शन ऑफ डेटा एट द एंड ऑफ द क्यू एंड डिलीशन ऑफ डेटा एट द बिगनिंग ऑफ द क्यू मतलब एट द एंड में आपका डेटा इंसर्ट हो रहा है एट द बिगनिंग में आपका डेटा आ, डिलीट हो रहा है अगर मुझे सर्कुलर वे पे रिप्रेजेंट करना पड़े तो मैं इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करूंगी ये वाला डेटा यहाँ पे फिट हो गया और ये दो स्पेस आपका खाली है अगर मेरे को कोई डेटा इंसर्ट करना होगा तो मैं इस एंड से इंसर्ट करूंगी नाउ जो सेकेंड थर्ड हमारा क्यू है वो है आपका प्रियोरिटी क्यू अब प्रियोरिटी क्यू क्या होता है प्रियोरिटी क्यू होता है कि हम उसमें अपने डेटा को कलेक्ट करके रखते हैं बट सच केस में रखते हैं कि हम जिस ऑर्डर में अपना डेटा को इंसर्ट करते हैं उसकी दो प्रियोरिटी होते हैं क्या क्या रूल होते हैं अ प्रियोरिटी क्यू इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट सच देट ईच एलिमेंट हैज हैजबिन असाइंड अ प्रियोरिटी एंड द ऑर्डर टस आर डिलीटेड प्रोसेस कम फ्रॉम द फॉलोइंग रूल पहला रूल क्या बोलता है कि एन एलिमेंट ऑफ हायर प्रियोरिटी इज प्रोसेस बिफोर एनी एलिमेंट ऑफ लोअर प्रियोरिटी जिसकी हायर प्रियोरिटी है उसको हम पहले प्रोसेस करेंगे और जिसकी लोअर प्रोरिटी है उसकी बाद में होगी अगर सेकेंड रूल क्या बोल रहा है कि अगर कोई दो एलिमेंट है जिसकी सेम प्ररिटी है तो उसका क्या हो जाएगा कि दर्डर इन विच दे वो द क्यू उसी तरीके से वो आपको डिलीट होगा एक प्रियोरिटी क्यों का हमने एरे रिप्रेजेंटेशन बताया है कि हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एरे पे। सपोज मेरे पास फ्रंट एंड रियर है तो हम उसको क्या करेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म पे रिप्रेजेंट करते हैं तो यहां पे आप देखिए एक आपका रो है जो फ्रंट है और एक आपका है रियर तो पहले में मैंने लिखा है टू और टू आप ये मैट्रिक्स यहाँ पे देखिए कि फ्रंट की वैल्यू भी टू है रियर की भी वैल्यू टू है मतलब आपका जो क्यू है उसमें क्या है सिंगल डेटा ही है कौन से पोजीशन पे टू पोजीशन पे हमने सेकंड पोजीशन पे एक डेटा फीड कर दिया है सेकेंड पे आप देखिए कि यहाँ फ्रंट की वैल्यू वन है और रियर की वैल्यू क्या है थ्री मतलब आपका फ्रंट का वैल्यू क्या हो गया वन और रियर की वैल्यू क्या हो गई आपकी थ्री तो यहां पे आपके कितना डेटा इंसर्ट होगा थर्ड में आपका बता रहे हैं कि फ्रंट uh, की वैल्यू भी जीरो है रियर की वैल्यू भी जीरो है मतलब आपका क्यू क्या है एम है एक भी डेटा नहीं है तो यहां पे हमने ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया नेक्स्ट आपका बोल रहा है कि फ्रंट की वैल्यू फाइव है और रियर की वैल्यू आपकी क्या है वन तो फ्रंट की वैल्यू हमने फाइव पे एक डेटा फीड किया और रियर की वैल्यू पे आपका वन ये आपका डेटा फीड हुआ इट डिपेंड्स कि यहाँ पे आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है बट हमने इतना ही लिया है ओके okay, नेक्स्ट है आपका फ्रंट की वैल्यू फोर और रियर की वैल्यू फोर मतलब क्यू में एक ही डेटा है वो आपके फोर्थ पार्ट में ये है ओके थैंक यू क्लास